अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं जी? स्टूडेंट्स, तो हम फंक्शन एंड लिमिट्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शन एंड लिमिट्स में हमने लास्ट लेक्चर में जब डिफरेंट फंक्शंस की लिमिट्स को वैल्यूएट किया, यानी उनकी लिमिटिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे, आज किस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मीन हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। यानी किसी भी फंक्शन की एक लिमिट हमें दी गई है, क्या वो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो इसको हमने डिस्कस करना है। तो इसकी एग्जिस्टेंस के लिए क्राइटेरिया क्या है कि कैसे हमें पता चलेगा कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो ये हम जब लिमिट को डिफाइन कर रहे थे तो उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लिमिट का मतलब है कि ये एक हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से यानी यहां पे हमने कोई नंबर ले लिया है तो वो फंक्शन की वैल्यूज है वो इस पॉइंट के राइट साइड से भी उसके करीब तीन पॉइंट पे आ जाएगी और लेफ्ट से भी करीब तीन पॉइंट पे आ गई। तो फिर हम उस वैल्यू की, उस फंक्शन की क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू का नाम दे रहे थे। और सिंपल हमारे पास था कि अगर फंक्शन जो है वो लेफ्ट साइड से भी राइट साइड पे भी उस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है तो उस पॉइंट को हम, उस पॉइंट को अप्रोच करने के नाम को हम कह रहे थे कि इस फंक्शन की लिमिट जो है ये उसकी लिमिट है या लिमिटिंग वैल्यू है। अब हमारी बात ये हो रही है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इसका मतलब यह है कि जब हम फंक्शन में, यानी फंक्शन के लिए कोई एक पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है वो राइट साइड से भी अप्रोच कर रही है, लेफ्ट साइड पे भी अप्रोच कर रही है, और अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ गया तो फिर हमारे पास, लेट से हमारे पास कोई पॉइंट सी है, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अगर हम कहते हैं कि ये पॉइंट, ये जो फंक्शन है इस पे लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है सी को लेफ्ट साइड से, क्योंकि जब किसी भी पॉइंट के लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो उसमें वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं, जब राइट साइड पे बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट बात करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस और इधर क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। इसको एवेल्युएट करने पे एक हमारे पास नंबर यानी एक कांस्टेंट आ जाता है एल। और अगर हम वो राइट साइड वाला, वहां से लिमिट अगर एग्जिस्ट करवा रहे हैं, यानी इसमें आ रहा है एक्स अप्रोचेस टू सी, अब वो राइट से है तो वो पॉजिटिव नंबर है, यहां पे प्लस लगा देंगे और यहां क्या आ रहा है एफ ऑफ एक्स, और यहां भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है। मीन कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और यहां आ रहा हमारे पास माइनस और ये आ रहा है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, तो यहां भी क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और यहां प्लस बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल टू एल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आएगी तो फिर हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अदरवाइज इन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आते हैं तो फिर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अभी इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करते हैं। 1.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट determine left hand limit and right hand limit and then find the limit then find the
लिमिट ऑफ फंक्शन, इसमें है कि लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है, राइट लिमिट फाइंड करनी है, और वो कहता है एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इट मींस आगे कंडीशन भी दे रहा है कि व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी, यानी सी हमारा वो गिवन पॉइंट होगा जिसमें हमने लिमिट को जो है वो फाइंड आउट करना है। लिमिट फाइंड करने का मतलब है कि जब हम राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट फाइंड कर चुके होंगे तो फिर हमने उन दोनों लिमिट्स को देख के उसका कंपैरिजन करना है। अगर तो दोनों लिमिट्स यानी लेफ्ट एंड लिमिट और राइट एंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही है और जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो उसकी लिमिट हो जाएगी। अगर वो सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम लिमिट फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव, और यह हमारे पास दिया हुआ है सी इज इक्वल टू वन, इन्हें सी की वैल्यू वन होगी, उस पे हमने क्या करना है दोनों लिमिट्स, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है। यानी हमारे पास ये पॉइंट है जिसका नाम है वन, तो ये फंक्शन को जो है वो क्या करेगा, ये पॉइंट को, ये फंक्शन क्या है वन, इधर से भी अप्रोच करना चाहिए, इधर से भी अप्रोच करना चाहिए, तो ये क्या करते हैं पहले उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम शॉर्टली एल एच एल का वर्ड यूज कर लेते हैं, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अ पॉइंट क्या है वन, तो यहां पे क्या कर देंगे उसके ऊपर माइनस लगा देंगे, और यहां आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और इधर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, और फंक्शन हमारे पास है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टू इंटू वन स्क्वायर, इन्हीं हमने सिर्फ ऊपर जो है वो बार लगाना है, ना कि जहां हम वैल्यू पुट करेंगे वहां माइनस पुट करेंगे, ऐसा आर्गिज नहीं होना, वैल्यू वही वन ही रहेगी। नेगेटिव साइन सिर्फ यही बता रहा है कि ये नंबर जो है वो क्या कर रहा है, ये लेफ्ट साइड से उस को अप्रोच, एग्जैक्टली इक्वल वन नहीं हम कर रहे, हम क्या कह रहे हैं कि ये वन के करीब तीन पॉइंट है, इतना उसके करीब है यानी उतना इसके क्लोज है कि हम उसको इक्वल ही कंसीडर करके पुटिंग कर रहे होते हैं, ना कि हमने नेगेटिव पुट करना है। और यहां आ जाएगा प्लस वन माइनस फाइव, तो यह आ जाएगा टू का स्केयर लेंगे, सॉरी वन का स्केयर लेंगे, वन वन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा टू प्लस वन माइनस फाइव, टू प्लस वन करोगे थ्री, थ्री माइनस फाइव, तो यहां से रिजल्ट आ रहा है माइनस टू। तो अभी हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो इसके लिए हम शॉर्ट यूज कर लेते हैं आर एच एल, तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स, और यहां आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, इस पे भी प्लस, और यहां आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है ये रिजल्ट बनेगा इसका, जब पुटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा टू इंटू वन स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव, तो सॉल्व करने पे बनेगा टू प्लस वन माइनस फाइव, तो ये हमारे पास आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स वन प्लस टू थ्री माइनस फाइव, और इसका रिजल्ट आ रहा है माइनस टू। तो यहां भी देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट भी माइनस टू है और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट भी माइनस टू है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ये सेम है। इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स,
इन्हीं दोनों साइड से लिमिट्स के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू सॉरी माइनस टू, तो ये इस फंक्शन की लिमिट आ गई। यानी दोबारा से इस पे थोड़ा सा जो है वो इसको रिवाइज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमने यहां से यहां तक इसको कैलकुलेट किया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, उसके बाद ये यहां से यहां तक आया तो ये क्या बन गया, ये राइट हैंड लिमिट आ गई। जो आगे उसने कंडीशन दिया देन फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन, तो उसकी डिपेंडेंस जो है इन दोनों चीजों पे है कि हमने क्या करना है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने पे अगर दोनों का रिजल्ट सेम, जैसे इसमें सेम आ रहा है तो हमने क्या कह दिया वही उस फंक्शन की लिमिट है, अगर सेम ना आता तो हम यहां पे कह देते हैं कि फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट इक्वल नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, यानी इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। जी अब हम इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लेते हैं और उसकी भी लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ओवर एक्स माइनस थ्री, और हमारे पास सी की जो वैल्यू आ रही है सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। माइनस थ्री भी हमने देखना है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, तो अभी हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास बन जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री, ऊपर बार लगा देंगे जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए, और यहां आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और यहां आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री बार, और इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ओवर एक्स माइनस थ्री। यहां वैल्यूज पुट करते हैं, ये माइनस थ्री उसमें पुट करेंगे क्योंकि माइनस इस साइड पे बार वाली माइनस इस पे इफेक्ट नहीं कर रही, ये आएगा माइनस थ्री स्क्वायर माइनस नाइन ओवर माइनस थ्री माइनस थ्री, ये माइनस थ्री का स्क्वायर सॉल्व करेंगे नाइन माइनस नाइन ओवर में आ जाएगा माइनस सिक्स, नाइन माइनस नाइन करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो ओवर सिक्स, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इसका जीरो। अब हमारे पास इसकी अब हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट बन जाएगी इसकी, राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री पर प्लस, ये राइट हैंड लिमिट को जाहिर करने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री, और यहां आ जाएगा एक्स के माइनस नाइन ओवर एक्स माइनस थ्री, तो ये हम यहां पे भी ये लिमिट को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वह बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहां माइनस थ्री पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस थ्री स्क्वायर माइनस नाइन ओवर माइनस थ्री माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर सॉल्व करेंगे नाइन माइनस नाइन ओवर ये दोनों माइनस के माइनस सिक्स, ये आ जाएगा जीरो ओवर माइनस सिक्स, और यहां पे रिजल्ट भी क्या हो गया जीरो हो गया। ये देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट जो है ये भी जीरो है और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट भी जीरो है, तो हम यहां कह सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन वन एंड टू यहां से क्या चीज क्लियर हो रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट सेम है, इन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स।
यानी ये दोनों लिमिट्स का रिजल्ट सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है, तो इस फंक्शन सारे की लिमिट क्या आ गई, ये जीरो आ गई, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट थ्री है, उसको सॉल्व करते हैं और उसमें जो है वो हम लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। पार्ट थ्री हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव मॉडुलस फंक्शन एंड सी इज इक्वल टू फाइव। तो यहां पे हमने ये लिमिट को जो है वो फाइंड करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम लेफ्ट साइड, इन ऊपर बार लगा देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव, यहां आ जाएगा एक्स माइनस फाइव। अब पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा फाइव माइनस फाइव, 5 माइनस फाइव करेंगे 0, 0 को जब मॉडुलस वैल्यू से निकालेंगे उस पर ना प्लस ना माइनस, यानी वही रिजल्ट हमारा सेम रह जाएगा 0। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट साइड, यानी ऊपर प्लस का साइन लगा दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव, और यहां फंक्शन हमारा दिया हुआ है एक्स माइनस फाइव। अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा फाइव माइनस फाइव, और ये मॉड में आ जाएगा जीरो मॉड, मॉडुलस ऑफ जीरो, ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं। वन में देखिए तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है, और इक्वेशन टू में हमारे पास राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ये दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट या राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स, यानी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सो लिमिट ऑफ फंक्शन यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि लेफ्ट लिमिट का रिजल्ट भी जीरो है और राइट लिमिट का रिजल्ट भी जीरो है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिफरेंट फंक्शंस की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की और राइट हैंड लिमिट को फाइंड किया, और इसके बाद उन दोनों का कंपैरिजन करने में हमें पता चला कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक इसको क्लोज करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।